Hello everyone, welcome to commerce classes. As you all know, we have started with accounting for partnership firm. मतलब partnership firm के accounts कैसे बनाए जाते हैं ये हम इस chapter में सीख रहे हैं, जिसका first title है fundamentals, मतलब basics of partnership accounting. जब आप partnership firm के accounts बनाते हो तो वो आपके अकाउंट्स सिमिलर होते हैं फाइनल अकाउंट्स के विच वी प्रिपेयर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. लाइक किसी भी बिजनेस के अगर हमें अकाउंट्स बनाने हैं, हम पहले जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. उसके बाद ट्रायल बैलेंस को दो पार्ट्स में ले लिया जाता है. एक पार्ट चला जाता है प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. दूसरा हिस्सा जाता है बैलेंस शीट, दैट इज एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजिशन बताने में. अब इन बिटवीन पार्टनरशिप में एक खास चीज होती है, वो क्या है कि जो प्रॉफिट है बिजनेस का, वो प्रॉफिट ऑनर को मिलना है. सो जब ये सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो हम प्रॉफिट्स को डायरेक्टली ऑनर के कैपिटल में ऐड करके लिख देते हैं. बट पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में दो या तीन लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. सो उन्होंने अपने अलग से ही कोई ना कोई पॉलिसी या रूल्स बनाए होंगे कि हम प्रॉफिट्स को इस तरह से बांटेंगे. तो ये प्रॉफिट सीधे कैपिटल में नहीं जाता, बल्कि उसमें से प्रॉफिट का बंटवारा होता है. बंटवारा मतलब एप्रोप्रिएशन. सो आपको प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर्स के अंदर, और उसको बांटने के लिए वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम इस प्रॉफिट को इस तरह से ले सकते हैं. सो जो हम प्रॉफिट्स को बांटने के लिए अकाउंट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये डिटेल में मेरे पिछले वीडियोस में है, यहां सिर्फ ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूं. सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू आप प्रॉफिट्स को बांटते हो. अप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा, तो प्रॉफिट को बांटना है. और उसके साथ साथ हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं ताकि इंडिविजुअल पार्टनर्स की कैपिटल पता चल सके. देन बैलेंस शीट एज इट इज बनाई जाती है. अब ये प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका आपस में कोई एग्रीमेंट है या नहीं है. जब वो आपस में किसी चीज पे एग्री करते हैं उसे एग्रीमेंट कहा जाता है. सो एग्रीमेंट हो सकता है उन्होंने बनाया ही ना हो, और हो सकता है उन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है, वो ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है. रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. सो क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट है या नहीं. सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही आपका मेन काम है इन केस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है. सो इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वी हैव टू केसेस. केस वन जो हमने पिछले वीडियोज में किया, वेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्री ही नहीं किया, कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल सकता. मतलब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, वो कुछ भी नहीं कर सकते. सो कुछ नहीं उनको दिया जाता, सिर्फ उनका जो प्रॉफिट आया है वो एज इट इज इक्वली पार्टनर्स में बांट देते हैं, राइट. इसका रीजन क्या है कि उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया. अब लेटर ऑन पार्टनर्स में हो सकता है थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो जाए. समबडी में से कि मैं तो ज्यादा काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए. कोई कह सकता है कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो. लेकिन ये उनको नहीं देंगे. देयर इज अ स्ट्रिक्ट नो फॉर दिस, क्योंकि जब उनका एग्रीमेंट नहीं है तो हम फॉलो करते हैं पार्टनरशिप एक्ट को, जो ये कहता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन नो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नो, कुछ नहीं मिलेगा. इवन जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो भी इक्वली बांटे जाएंगे, इररेस्पेक्टिव कि किसने क्या बिजनेस को दिया है. हाँ, इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि अगर पार्टनर्स फर्म के लिए कुछ कर रहे हैं नॉट एज एन ऑनर बट किसी और कैपेसिटी में, जैसे लेंडर, उन्होंने फर्म को लोन दे रखा है. सो अगर लोन पे उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो एक्ट अलाउ करता है 6% इंटरेस्ट ऑन लोन. सिमिलरली रेंट, अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है तो ये भी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जितना भी रेंट होगा वो उसको मिलेगा. बट ये दोनों क्या है, ये प्रॉफिट्स का बंटवारा नहीं है. क्यों? क्योंकि ये ऑनरशिप के कारण थोड़े ना दे रहे हो, ये तो अलग कैपेसिटी है. आप एज अ लैंडलॉर्ड और एज अ लेंडर ये चीजें दे रहे हो फर्म को. सो इन्हें प्रॉफिट में से नहीं, आप बंटवारे में नहीं ले सकते. आपको क्या करना होगा, इसे आपको प्रॉफिट पर चार्ज की तरह लगाना होगा. चार्ज मतलब ये P&L अकाउंट में जाते हैं. सो जब भी हम पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट रहे हैं तो हमें सबसे पहली चीज ये देखनी है कि जो प्रॉफिट का फिगर हमें दे रखा है वो करेक्ट है कि नहीं. सो कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉफिट पर चार्ज है, मतलब जो फर्म को देना ही है,
वो P&L में से, प्रॉफिट में से कट के आना चाहिए। सो अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा तो हमें उसे पहले देना है, प्रॉफिट के फिगर को ठीक करना है। इसके बाद जो प्रॉफिट का फिगर ठीक होता है, फिर ये उसका बंटवारा इस तरह से किया जाता है, राइट। सो आप इसमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हो जब डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है? सीधे प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट क्योंकि P&L से आया तो क्रेडिट साइड में वो ट्रांसफर हो जाता है, P&L के डेबिट से क्रेडिट में अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ये देखो, ये यहाँ डेबिट में है ना, तो ये यहाँ क्रेडिट में आ जाता है और इसे इक्वली बांट देते हो, कुछ नहीं करना इसके अलावा, राइट। और अगर फर्म को बाई चांस लॉस हुआ है तो लॉस यहाँ आ जाएगा और इसे इक्वली सारे पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा। ये है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती। नाउ टूडे वी आर टू स्टार्ट विद द सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है? जब पार्टनरशिप डीड है, वेन देयर इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट रिटन हो तो उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सो अगर पार्टनर्स ने आपस में कोई एग्रीमेंट कर रखा है, किस बारे में, कि हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे या नहीं, हम सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन देंगे या नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा या नहीं, या प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो यही इनका एग्रीमेंट होता है। सो अगर उन्होंने इन चीजों के बारे में कोई एग्रीमेंट कर रखा है, दैट इज देयर इज एन एग्रीमेंट, तो फिर प्रॉफिट इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही बटेगा, राइट। सो उस केस में क्या होगा, आपको जो एग्रीमेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली बांटेंगे। इसमें भी अगेन रूल यही है, अगर एग्रीमेंट में सैलरी लिखी है तो सैलरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर एग्रीमेंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देन ओनली इट विल बी गिवन, अदरवाइज नहीं देंगे। अगर आपका एग्रीमेंट साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर, तो रेशो फिर इक्वल होगी। सो जहां एग्रीमेंट नहीं है वहां आप यहीं वापस आएंगे केस वन पे, कि अगर एग्रीमेंट ना हो तो हम क्या करें। सो एग्रीमेंट ये नहीं कि एक बार एग्रीमेंट हो गया तो सारे पॉइंट्स उसमें होंगे ही, हो सकता है कुछ उन्होंने डिसाइड किया है, कुछ छोड़ दिया। सो जो चीज एग्रीमेंट में नहीं है वो यहीं पर आनी पड़ेगी। तो अगर एग्रीमेंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, बाकी के सारे रूल्स यही रह जाएंगे। इफ योर एग्रीमेंट सेज कि सैलरी देनी है तो सैलरी आप दोगे, लेकिन बाकी चीजें यहीं से लोगे। अब इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली किस तरह से वर्किंग होगी, सो आप ये चीजें पार्टनर्स को दे सकते हो। इसका मतलब आप दे सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप दे सकते हो सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन, यू मे कॉल इट बाय एनी नेम। सो ये चीजें पार्टनर्स को दी जा सकती हैं एज पर एग्रीमेंट, मतलब जो एग्रीमेंट है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज कर सकते हैं, और इसके बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो इन सब के बाद एडजस्ट करने के बाद बचता है, वो जो भी इनकी आपस की रेशो एज एग्रीड उसी रेशो में बटेगा। सो इस तरह से आप इसको यहां पर बांट दोगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से बांटा जाता है। सो एक हम केस लेते हैं, सपोज ए और बी दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, विद कैपिटल्स, इन्होंने कैपिटल लगाई है मान लो बिजनेस में 5 लाख एंड 3 लाख, ऑल राइट, ये इन्होंने कैपिटल लगा दी बिजनेस में। देयर एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, अब उनका एग्रीमेंट क्या कहता है, आप जो भी एग्रीमेंट में चीजें हैं वो देनी पड़ेंगी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सपोज एग्रीमेंट फर्दर सेज सैलरी टू ए एंड बी, सपोज इट इज 50,000 एंड 40,000, आपस में डिसाइड किया होगा कि कैसे काम करना है, ओके, कमीशन नहीं है और कुछ नहीं है, एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2 रेशो, मान लो इस रेशो में बांट रहे हैं, तो ये इनको दे रखे हैं, ठीक है। सो आप एग्रीमेंट से चलोगे, सो मान लीजिए उनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, नेट प्रॉफिट जो P&L से निकल के आता है, सपोज ये है 4 लाख, ठीक है। सो अब इन्होंने क्या क्या देना है, क्या डिसाइड किया, सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सो ए है और बी है, ठीक है। सो कितना मिल जाएगा, 10% पर एनम। सो आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर दे देते हो कि ए को कैपिटल 5 लाख है, उस पर 10% इंटरेस्ट दे दिया, बी की कैपिटल 3 लाख है, 10% इंटरेस्ट दे दिया, तो इंटरेस्ट दे दिया इनको, ठीक है। आप 4 लाख में से ये दे सकते हो। दूसरी चीज, एग्रीमेंट कहता है सैलरी दे दो। सो ए को सैलरी मिल गई 50,000, बी को सैलरी मिल गई 40,000, सैलरी दे दी, और कुछ नहीं कह रहा है एग्रीमेंट, तो और कुछ नहीं देंगे, ठीक है। हो सकता है आपका एग्रीमेंट कहे उनको कमीशन भी देनी है ऑन सेल्स। सपोज ए का अमाउंट है 30,000 और बी का अमाउंट है 40,000, सो कमीशन भी दे दोगे, ठीक है। तो ये चीजें उनको दे दी आपने, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, ये फर्म इनको दे रही है। सो ये बांटते जाओगे, तो कितना बांट गया, इसका मतलब आपने प्रॉफिट्स में से 80,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, 90,000 आपने सैलरी के तौर पे बांट दिया और कमीशन बांट दी 70,000। तो कितना टोटल बांट दिया, 2,40,000 आप अब तक बांट चुके हो, ठीक है। सो अब जो बाकी का प्रॉफिट बच गया, जिसे हम क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। सो अब प्रॉफिट जो बच गया, कितना बच गया, 4 लाख में से 2,40,000 आप बांट चुके हो, तो कितना बच जाएगा, 1,60,000। ये प्रॉफिट था ना, ये आपने कंपोनेंट बांट दिए अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली। सो जब एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट की अकॉर्डिंगली बंटवारा होगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, कमीशन दो, अब प्रॉफिट कितना बच गया, 1,60,000। कैसे बांटना है, 3:2 रेशो में। 3:2 रेशो का मतलब क्या हो गया, टोटल है 5, सो 3/5, 2/5। सो जो प्रॉफिट है, रफली जो हमारा प्रॉफिट बच गया, डिविजिबल प्रॉफिट 1,60,000, इसका 3/5 ए को जाएगा। सो 3/5 ऑफ 1,60,000, 96,000 ए को चला जाएगा और 2/5 चला जाएगा बी को, ओके। सो इस तरह से आपने इनको प्रॉफिट्स बांट दिए। अब इसमें हमने एग्रीमेंट की मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं। अब सपोज जैसे ये कैपिटल लेके आते हैं बिजनेस में, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। सपोज आपका क्वेश्चन जो एग्रीमेंट है वो फर्दर कहता है कि नहीं, इन पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज होगा, मतलब जब आप बिजनेस में से पैसा निकालोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा, समझ रहे हो। जब आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो फर्म आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, ये फर्म दे रही है पार्टनर्स को, लेकिन जब पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को देना पड़ेगा। सो इसमें एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन भी हो सकता है, ओके। उससे हमारी अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे। अब सपोज आपका क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो भी चार्ज करना है, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10,000, बी का है 5,000। सो कितना आ गया, 10+5=15। अब ये किसको मिलेगा, ये तो ए और बी देंगे, जो पैसा निकालता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो पैसा लगाता है उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो ड्रॉइंग तो पार्टनर्स ने निकाल लिए, अब वो फर्म को इंटरेस्ट देंगे। सो वो कहाँ आना चाहिए, अब ये पार्टनर को मिल नहीं रहा, ये फर्म को मिल रहा है, तो वो फर्म के प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा। सो अगर आप इसे ऐड कर देते हो तो आपका प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 4,15,000। इन दैट केस आपकी ये जो कैलकुलेशन थी, ये 160 की जगह पर कितनी हो जाएगी, 240 बांट दिया, सो ये अब हो जाएगी 1,75,000, और इसको आप पार्टनर्स में आपस में बांट दोगे। सो हम पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के मुताबिक क्या क्या दे सकते हैं, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, उन्हें सैलरी दे सकते हैं, उन्हें कमीशन दे सकते हैं, और उनसे ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और बाकी जो बच जाएगा वो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स को उनकी एग्रीड रेशो में बांट देना है। इसके अलावा एक और चीज होती है एप्रोप्रिएशन में, कई बार पार्टनर्स ये कहते हैं कि प्रॉफिट तो ऊपर नीचे होता रहता है, किसी ईयर में प्रॉफिट ज्यादा होगा ज्यादा मिल जाएगा, किसी ईयर में प्रॉफिट कम होगा तो हम, हो सकता है हम सैलरी ना दे पाए, कमीशन ना दे पाए, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है। सो वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन संभाल के रख लेते हैं कि इसको हमें अभी यूज ही नहीं करना, इसको हम यूज कब करेंगे, जब कभी बाद में जरूरत होगी। सो क्या है जो आप उसको कहते हो रिजर्व, मतलब आपने जो प्रॉफिट है इसका एक हिस्सा आप बांटना ही नहीं चाहते हो, उसे आप रिजर्व में रखना चाहते हो। सो जैसे ये 1,75,000 आपका प्रॉफिट बटा,
जो आप पार्टनर्स को बांट रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें से मैं 50,000 बचा के रख लूं, कि 50,000 मुझे नहीं बांटना। सो वो किस पे चला जाएगा? ओवरऑल इसमें से आप रिजर्व काट दोगे कितना? 50,000। मतलब इस प्रॉफिट में से रिजर्व अलग कर लो 50,000, वो देना ही नहीं है। सो अकॉर्डिंगली हमारी कैलकुलेशन फिर से बदलेगी। 4,15,000 में से 50,000 का रिजर्व रख लिया, ये सैलरी में बांटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांटा, कमीशन में बांटा, ये सब बट गया। तो अब हमारा, क्योंकि हमने 50,000 और सेपरेट कर लिया, तो हमारे पास बच जाएगा 1,25,000। सो वो बट जाएगा। सो जैसे जैसे इनकी पार्टनरशिप डीड हमें बताएगी, अकॉर्डिंगली इनका डिविजिबल प्रॉफिट चेंज होता रहेगा। सो जो सारा प्रॉफिट फर्म को हुआ, वो सारा जरूरी नहीं है डिविजिबल, मतलब रेशो में बटेगा। उसका कुछ हिस्सा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह लेके जाएंगे, कुछ हिस्सा सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन में लेके जाएंगे, और हो सकता है कुछ पार्ट वो कहें हमें लेना ही नहीं है, उसे अलग डाल दो रिजर्व में। जब कभी फर्म के पास प्रॉफिट नहीं होंगे तो हम इसको बांटेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। सो ये फर्म के अंदर ही रह जाएगा। सो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, वो पार्टनर्स आपस में अपनी रेशो में लेके जाएंगे। सो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं थी तो हमारे पास 1,60,000 था। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाती है तो वो प्रॉफिट में एड होगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट जो ज्यादा मिल गया वो बांट दोगे। अगर कुछ रिजर्व रखना है तो रिजर्व भी रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो डिविजिबल प्रॉफिट अकॉर्डिंगली हम बांट सकते हैं। लेकिन एंड में क्या होगा, जब हम चेक करेंगे तो जितना ए को टोटल और बी को जो प्रॉफिट मिला, वो यही प्रॉफिट होगा जो आपका फर्म का था। सो आप 4,15,000 बांट रहे हो, सो आपको यही बांटना है यहां पर, ठीक है। सो इसमें से कुछ रिजर्व बचा के बाकी का आप आपस में बांट देते हो। तो यही कैलकुलेशन हमें शो करनी होती है P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू। सो ये हम एक रफ में बना के चेक कर सकते हैं कि भाई प्रॉफिट कैसे बट रहा है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिस तरह से आप इनका बंटवारा करोगे। सो अकॉर्डिंगली आप इनको ये सब चीजें दोगे। तो अब इस केस में अगर मुझे पार्टनरशिप अकाउंट्स में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। सो अब ये कैसे बनेगा? दो साइड्स हैं इसकी। P&L अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलने वाला नेट प्रॉफिट। सो अगर आपके पास प्रॉफिट है, आप यहां क्रेडिट साइड में, डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर होता है, लॉस है तो वो क्रेडिट से डेबिट में ट्रांसफर हो जाता है। सो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो नेट प्रॉफिट है, इट शुड हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। सो नेट प्रॉफिट एक्चुअल में आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस आना चाहिए। सो अगर हमारा क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर रहा है कि ये प्रॉफिट तो है लेकिन हमने इसमें मैनेजर की कमीशन नहीं लिखी, तो आप उसे नहीं लिख सकते हो। पहले उसे ठीक करो, उसमें से आपको पार्टनर की जो मैनेजर की कमीशन है वो हटानी पड़ेगी, माइनस करके बाकी का प्रॉफिट लिखोगे, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो आफ्टर ऑल चार्जेस है। मतलब ये नेट प्रॉफिट है सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद। हो सकता है हमारा क्वेश्चन हमें कहे दिस इज द नेट प्रॉफिट, लेकिन हमने अभी इसमें पार्टनर्स का रेंट नहीं दिया जो उसने प्रॉपर्टी दे रखी है, या हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, तो वो हटाना पड़ेगा आपको। सो आप माइनस करके लिखोगे, ठीक है। सो यहां पर नेट प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर ऑल चार्जेस, सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद। अब इस नेट प्रॉफिट का बंटवारा हमें दिखाना है कि कैसे कैसे ये हिस्से बटे। सो आप ये सोचोगे कि ये जो बंटवारा हो रहा है ये कैसे दिखे? ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये तो फर्म को मिल रहा है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये फर्म को मिल रहा है, सो इसे आपको कहां लिखना है? जो फर्म को प्रॉफिट्स मिलते हैं, जो फर्म के पास प्रॉफिट्स आते हैं, वो हमें कहां लिखने होते हैं? अपने अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, राइट। और जो फर्म को देना है, मतलब फर्म जो निकाल रही है, वो उसे कहां लिखना होगा? डेबिट साइड पे। सो ये तो फर्म को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सो हम यहां क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये प्रॉफिट में प्लस हो रहा है। इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हो कि जब भी हमें किसी अकाउंट में कोई भी इंफॉर्मेशन शो करनी होती है, सो प्लस माइनस सोचते हैं। अब क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सो
नेट प्रॉफिट। सो इस प्रॉफिट में जो कुछ प्लस होगा वो यहां लिखेंगे, तभी तो ये कॉलम में ऐड होगा। और इस प्रॉफिट में से जो कुछ माइनस करना है, जो निकालते रहना है, वो यहां लिखेंगे, तभी माइनस होगा। अगर आप सेम साइड में कोई अमाउंट लिखते हो तो वो टेक्निकली अकाउंट को बैलेंस करते हुए आपके प्लस हो जाते हैं, और ओपोजिट साइड के अमाउंट जो है वो आपके माइनस हो जाते हैं। सो इसलिए हमें, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें ऐड करना है, ये फर्म को मिला है, सो हम यहां क्या लिखते हैं कि यही नाम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, पार्टनर ए, पार्टनर बी, और अगर तीन पार्टनर है तीनों को लिख दोगे। अब ये तो मिला, लेकिन ये सब इसको बांटना है, ये निकालना है, देना है, इसमें से ये भी दोगे, ये भी दोगे, ये भी दोगे। जब इसमें से हम कोई चीज दे रहे हैं, ये तुम लो, ये तुम लो, तो ये कम होता जाएगा ना। सो ये सब क्या है, इसके नेगेटिव्स, डिडक्शंस। सो सारे डिडक्शंस आ जाएंगी डेबिट साइड में। सो जो रिजर्व बनाना है वो रिजर्व अकाउंट में आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी, सैलरी अकाउंट पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। अगर एक ही पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो हम सीधे उसका नाम लिख सकते हैं, और अगर ज्यादा पार्टनर्स हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम सैलरी अकाउंट लिख के सबके नाम लिख के टोटल कर सकते हैं। टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, जिस जिसको कमीशन दे रहे हो वो लिख लोगे, ठीक है ना। सिमिलरली कमीशन हो, रेम्यूनरेशन हो, सब कुछ लिख लो। सो हमने क्या क्या लिख लिया, रिजर्व लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, सैलरी लिख ली, कमीशन लिख ली, राइट। रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो पार्टनर्स को देना है इसमें से दोगे। अब जो बाकी बच गया वो क्या था, डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सो ए बी सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। सो जो डिविजिबल प्रॉफिट आपने रफली सॉल्व किया है, या जो इसमें बैलेंसिंग फिगर है दोनों साइड का, वो पार्टनर्स में उनकी रेशो में, जो रेशो डिसाइड की है उसमें बांटोगे। और अगर कोई रेशो डिसाइड नहीं किया है तो उसे किस रेशो में बांटा जाएगा, जब भी हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, चुप है, कुछ नहीं बता रही, हम जाते हैं पार्टनरशिप एक्ट के पास, और एक्ट हमें कहता है कि सारे प्रॉफिट्स को इक्वल रेशो में बांटना है। सो इन चीजों में, पार्टनरशिप डीड में जो चीज दी है वो लिखेंगे, जो नहीं दी, जहां पे वो चुप है, तो आपको पार्टनरशिप एक्ट के पास जाना है। और एक्ट क्या कहता है, प्रॉफिट्स को इक्वली बांटो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं होगा। सो तभी जब हमारे पास डीड नहीं होती, हमारा सारा प्रॉफिट सीधे बंटता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं दिया जाता, बट डीड है तो हम डीड के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, हमें देखना है प्रॉफिट कितना है, और उसको हमें रेशो में, जो भी उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, उनको बांटते जाना है। ये प्रॉफिट का बंटवारा है। अब इस पार्टनरशिप डीड को बनाते हुए हमें दो चीजों का, वो दो चीजें हैं, नंबर वन क्या है, द प्रॉफिट फिगर। ये जो प्रॉफिट फिगर है ये होना चाहिए करेक्ट। करेक्ट का मतलब सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस हुए होने चाहिए, सारी इनकम इसमें से एड हुई होनी चाहिए। सो अगर हमें दिया है कि प्रॉफिट में कोई भी चार्ज अभी लिखा नहीं है, सो वो चार्ज आपको अप्लाई करना है, वो चाहे आप एक स्टेटमेंट में, वर्किंग नोट में करके यहां नेट अमाउंट दिखा दो, या आप पीएनएल अकाउंट ही दोबारा बना लो, पीएनएल अकाउंट में उसको लिख दो और सॉल्व करके इसको दिखा दो, राइट। दूसरी चीज है, आप ये जो बांट रहे हो, ये बांट रहे हो प्रॉफिट को, राइट। सो अगर फर्म के पास सफिशियंट प्रॉफिट है तो ये बंटवारा होगा, अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो ये बंटवारा इस तरह से नहीं होगा। मतलब आप उतने ही प्रॉफिट बांट सकते हो जितने आपके पास हैं। सो क्या हमें ध्यान रखना है, नोट वन, नेट प्रॉफिट शुड बी करेक्टली मेजर्ड। नेट प्रॉफिट बिल्कुल सही होना चाहिए आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर। सो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट के बाद, सारे एक्सपेंसेस के बाद, राइट।
Second thing, firm can provide interest on capital, salary, etc. only up to the amount of available profits. मतलब प्रॉफिट होगा तो बटेगा, तो जब हम ये 80,000 बांट रहे हैं तो यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए. आपको पार्टनरशिप डीड ने कहा 2,40,000 आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के तौर पे बांट दो. सो सपोज आपके क्वेश्चन में आपके पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है, मान लो आपके पास प्रॉफिट है 2,00,000, अब आप इसे बांट ही नहीं सकते. अगर आपके पास प्रॉफिट 2,00,000 है तो आप कैसे बांट दोगे पार्टनर्स को, राइट? सो लेट अस अज्यूम अगर प्रॉफिट हो ही 2,00,000, अब ये 2,00,000 का प्रॉफिट कैसे बंट सकते हैं? सो आप उतना ही बंटवारा कर सकते हो जितना प्रॉफिट हो. सो अगर उनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली हमारे पास 2,40,000 होना चाहिए बट हमारे पास 2,00,000 है, तो हम क्या करेंगे? फिर ये इंडिविजुअल चीजें नहीं दी जाएंगी, इसमें किसी की प्रायोरिटी नहीं है. ये नहीं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नंबर 1 पे लिखा है तो ये दे दो, दूसरा दे दो, तीसरा कम कर दो, नहीं. इस केस में ये चीजें नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रॉफिट नहीं है. हम क्या करेंगे कि इनको कितना मिलना चाहिए था. अगर ये चीजें देनी है तो मिनिमम 2,40,000 प्रॉफिट चाहिए, जिसमें से 110,000 इसको मिलेगा, 130,000 इसको मिलेगा, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट कम है. ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप इसी प्रॉफिट को इनकी रेशो में बांट दोगे. इनकी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो इनके रेम्यूनरेशन की रेशो है, जो इनके टोटल अमाउंट्स की रेशो है, 2,00,000 को 13:11 रेशो में इन्हें बांट दिया जाएगा. सो हमें क्या ध्यान रखना है कि फर्म कैन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट. और अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट हमारे पास है उसको इनके इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन टोटल की रेशो में बांटा जाएगा, राइट? फिर डिविजिबल प्रॉफिट तक तो पहुंचे ही नहीं, तो डिविजिबल प्रॉफिट या उसकी रेशो की बात ही नहीं है, हमें तो ये तीन चीजें पहले देनी है. तो इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा पैसा नहीं है 2,40,000, तो जितना है उसको इसकी रेशो में बांटो, क्योंकि ये इनको पहले देने थे, फिर बाकी सब कुछ उनको रेशो में बांटना था. सो डिविजिबल प्रॉफिट भूल जाओ, है ही नहीं, और जो है उसको अब उनके इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन टोटल की नई रेशो निकाल के इसमें बांटा जाएगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो इस तरह से हम ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए ये दो चीजों का ध्यान रखते हैं, प्रॉफिट करेक्ट हो, नंबर टू यहां अप्रोप्रिएशन बंटवारा लिखने से पहले ही चेक कर लेना है कि प्रॉफिट होने भी चाहिए. इसीलिए हम ये एक वर्किंग नोट या रफ में ये बना सकते हैं. ये वैसे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट्स कम पड़ जाते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है. सो इट्स बेटर कि आप इसको रफली बना लो, और अगर कम है तो फिर इसको फेयर करके शो कर दो, राइट? सो ये एक स्टेटमेंट हम रफ में बना के इसको सॉल्व करते हैं. आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू. अब इसमें हमें क्या नेक्स्ट चीज देखनी है, जर्नल एंट्रीज. नाउ कंसिडर जर्नल एंट्रीज, मतलब जब हम पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन वगैरह देते हैं तो एंट्रीज क्या होंगी. सबसे पहले क्या है, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अगर आपकी ये फर्म नई शुरू हो रही है तो पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल. अब अगर पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल तो उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स इन्वेस्टेड कैपिटल. अगर बिजनेस में वो कैपिटल लेके आ रहे हैं तो बिजनेस को क्या मिलता है, कैश. बिजनेस को मिल गया कैश, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट हो गई. देन एट द एंड ऑफ द ईयर आप उन्हें प्रॉफिट्स कैसे बांटोगे, सबसे पहले आप उनको दे रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, सो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंडिचर, और ये किसको मिलेगा, पार्टनर को. तो उसके खाते में, पार्टनर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, उसमें चला जाएगा. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो सब पार्टनर्स को उनका अपना कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल जाएगा. सेकेंड है, आपको पार्टनर्स को
सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन, कुछ भी नाम लो, आप उनको ये दे रहे हो, ठीक है। तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस है। सो पार्टनर्स सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये भी पार्टनर्स को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से ले रहे हो। सो जब पार्टनर से हम ये चीजें लेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, उनकी कैपिटल में कमी हो गई, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमने क्या किया, ये सारे अमाउंट्स एक्सपेंसेस जो पार्टनर को आप दे रहे हो या जो आप पार्टनर से ले रहे हो, ये सब कुछ आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। सो ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी डेबिट में है तो ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन अकाउंट। तो ये ट्रांसफर हो गए, ये सारे अमाउंट्स जो यहां पर थे ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गए। और ड्रॉइंग क्योंकि तुम्हारे पास क्रेडिट में है तो इसे ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। अब फाइनली क्या होगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट बच गया बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कहां चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो डिविजिबल प्रॉफिट उनकी रेशो में बट जाएगा, ठीक है। सो ये आप जनरल एंट्रीज करते हो, जब वो पार्टनर कैपिटल लेके आते हैं, कैपिटल लाने की एंट्री। इसकी ऑपोजिट एंट्री हम पास कर सकते हैं अगर वो पैसा ड्रॉ करके लेके जा रहे हैं ड्रॉइंग्स के लिए, बाकी हमें डीड के मुताबिक चलना है। सो अकॉर्डिंग टू डीड, अगर आप सैलरी दे रहे हो सैलरी की एंट्री कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो वो उनके अकाउंट में डाल दो, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हो तो उनके अकाउंट से निकाल लो, और फाइनली सारे चार्जेस को और इनकम को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट करो और एक डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने की एंट्री करो। इसके अलावा क्या है, अगर आपने प्रॉफिट्स में से कुछ रिजर्व अलग किए होंगे, ठीक है। सो अगर रिजर्व अलग किए हैं तो उसकी एंट्री भी पैरेलल चलेगी, फॉर रिजर्व पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो रिजर्व अकाउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग कर रहे हैं तो प्रॉफिट में से कुछ निकाल रहे हैं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। सो ये हम एंट्रीज करते हैं जब हमें पार्टनर्स को उनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली उनके प्रॉफिट्स लॉसेस वगैरह बांटने हैं। अगेन रिमेम्बर क्या करना है हमें, ये हमारे पास प्रॉफिट है जो करेक्टली रिकॉर्डेड होना चाहिए। अगर ये सही मेजर्ड है तभी ले सकते हैं, अगर इसी में गलती है तो आप खुद सोचते हो कि अगर हम कोई गलत चीज से शुरू करेंगे तो हमारे आंसर भी गलत आएंगे। सो हमें क्या पहली चीज याद रखनी है, जो प्रॉफिट यहां ले रहे हैं वो करेक्टली मेजर्ड हो। अगर इसमें कोई मिस्टेक है उसको ठीक करो, यहां ठीक नहीं होगी, ठीक है, यहां पे नहीं उसको डेबिट कर दोगे या क्रेडिट, यहां पर आप या तो अंदर ही इनसाइड कॉलम में ही चेंज करके बाहर नेट अमाउंट लिखो या एक वर्किंग नोट बना लो उसको अलग से शो कर दो, ठीक है। सो करेक्ट अमाउंट होना चाहिए, ये पहली चीज है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि हम यहां पर प्रॉफिट्स का बंटवारा कर रहे हैं, मतलब ये चीजें हम तभी बांट सकते हैं जब प्रॉफिट अवेलेबल हो। सो अगर किसी क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट इतना है ही नहीं तो हम कैसे बांटेंगे, सो ये चीज हमें बिफोर हैंड, मतलब इससे पहले कि तुम अकाउंट बनाना शुरू करो तुम्हें चेक कर लेना है कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि ये चीजें बट सके। सो उसके लिए क्या करते हैं, हम रफली एक नोट बना लेते हैं कि हाँ ये प्रॉफिट है हमारे पास, इसमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आ जाएगा, वो भी मिलेगा फर्म को, तो ये दोनों चीजें हमें मिल गई। अब क्या क्या बांटना है, ये देना है रिजर्व में, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये सैलरी, तो क्या ये बांट सकते हैं, अगर बट सकता है तो ठीक है बाकी का प्रॉफिट उनकी रेशो में बांट दो, पर अगर नहीं बट सकता तो क्या करेंगे, जितना अवेलेबल अमाउंट है उसी को बांटो। तुम्हें 2,40,000 बांटना था ना, कैसे बांटना था, ये कैपिटल इंटरेस्ट, ये सैलरी, ये कमीशन, तो अब इतना नहीं है,
क्योंकि ये तीनों चीजें सेम लेवल पे हैं, इनमें से कोई भी पहले या पीछे नहीं है, ये सेम लेवल पे हैं पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। सो आपको इन्हीं की रेशो में देना पड़ेगा, तो इनकी रेशो निकालो, इसका टोटल कर लो, यहीं पे टोटल करो, रेशो आ गई 13:11। तो अब तुम्हारे पास क्यों, क्योंकि 2,40,000 नहीं है, तुम्हारे पास है 2 लाख, तो उसको इसी 13:11 की रेशो में बांट दोगे। फिर उस केस में क्या है, हम यहां कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये सब हम वर्किंग नोट में शो करेंगे, यहां पर सीधे लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट जो रेशो में बट के आया, और एक नोट होगा एक्सप्लेनेशन के लिए कि प्रॉफिट्स वर नॉट सफिशियंट, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एटसेट्रा इज नॉट गिवन, बट द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर टोटल रेम्यूनरेशन, ठीक है। सो ये दो चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है जब भी हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम आई ब्रिंग यू सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, जिसमें हम ये अकाउंट बना के एंट्रीज करके समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये ट्रांजैक्शंस की जाती है। थैंक यू।